गाइस, मेरा नाम ओवैस है और आप देख रहे हैं टेक्नोफाइड ओवैस। दोस्तों, अगर आप जो है इन्वर्टर डीसी बाय करने जा रहे हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे पांच जो है वो इन्वर्टर डीसी हैं जो कि बिल्ड क्वालिटी के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर और पावर सेविंग में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो काइंडली इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिन पांच इन्वर्टर एसी की बात करने जा रहे हैं उसको हम जो है तीन हिस्सों के अंदर कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है लो बजट आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास मिड बजट आ जाएगा और सबसे आखिर में हमारे पास जो है हाई बजट आ जाएगा। सबसे पहले हम जो है लो बजट की बात करेंगे। अगर आपका बजट जो है 50,000 के करीब करीब है और आप चाहते हैं कि 50,000 के अंदर जो है आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी क्वालिटी और जो है 60% सेविंग के करीब जो है आपको जो है वो डीसी इन्वर्टर मिल जाए, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ओरियन का डीसी अल्ट्रॉन इन्वर्टर जो है वो आप उसको परचेज कर लें। इसकी खास बात यह है कि अगर आप 8 टन का एसी परचेस करते हैं तो आपको 1.5 टन के बराबर जो आपको साइज मिलने वाला है, और अगर आप जो है 1.5 टन का एसी बाय करेंगे तो आपको 2 टन के बराबर जो है इसका एसी का साइज मिलेगा। इसके अलावा अगर हम जो है मिड रेंज की बात करेंगे तो मिड रेंज के अंदर हमारे पास जो आ जाता है वो ग्री का डीसी इन्वर्टर आ जाता है। अगर आपकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन 60,000 या उसके करीब करीब है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ग्री का डीसी इन्वर्टर जो है वो परचेस कर लें। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो जितने भी हमारे पास एसी हैं उन सबसे ज़्यादा जो है आपको इसके रिमोट के फंक्शन मिलते हैं, प्लस आपको जो बिल क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है और आपको जो इलेक्ट्रिक सेविंग जो मिल रही है वो तकरीबन 60% से ऊपर ही मिल रही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी रेंज जो है 60,000 के करीब है तो आप फिर ग्रीन इन्वर्टर जो है परचेस करें। सबसे आखिर में हम जो बात करेंगे वो हाई रेंज की बात करेंगे। अगर आपको बजट के अंदर आपको कोई मसला नहीं है और आपकी रेंज जो है वो लैक से ऊपर है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो हिटैची का या डेकिन का या एक्सन का जो है एसी बाय कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों जो एसी हैं ये सारे जो है ब्रांडेड एसी हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी वो जितने भी इन्वर्टर एसी है हमारे पास, चाहे वो ग्री का हो, चाहे ओरिएंट हो या जितने भी हो, उन सब के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बेहतर है। मगर आपको जो खास बात है उसकी प्राइस है। अगर आपकी प्राइस रेंज इतनी है अब ब्लैक तो आप फिर इसको ईजिली बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, इंशाल्लाह हम जो है इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर वीडियो को लेके आएंगे, प्लस हम जो है इन्वर्टर एसी की अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।